तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरोना वैक्सीन लगवाने आए एक शख्स को गलती से एंटी रेबीज का टीका लगा दिया गया। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो ठाणे नगर निगम ने टीका लगवाने वाली नर्स और डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। पूरा मामला ठाणे जिले के कालवा में आटकोनेश्वर स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ राजकुमार यादव नाम का शख्स कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर आया था, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन वाली लाइन में ना लगकर उस लाइन में बैठ गया जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जा रहा था। सही सही कसर नर्स कीर्ति पोपरे ने पूरी कर दी, जिसमें बिना पेपर देके ही एआरवी का इंजेक्शन लगा दिया। इस मामले के सामने आने के बाद राजकुमार यादव को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। अभी तक मरीज पर कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं। इस मामले को लेकर ठाणे नगर निगम की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस मामले में पूरी गलती नर्स की है, क्योंकि उसे टीका लगाने से पहले मरीज के पूरे पेपर चेक करने चाहिए थे। नगर निगम ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसकी लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की जान को खतरा था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का ठाणा जिला इन दिनों कोरोना की चपेट में है। मंगलवार को ठाणे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई। ठाणे के अंदर संक्रमण के मामले बढ़कर 558,503 हो गए हैं। वहीं जिले में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,399 हो गई है। ठाणे में कोरोना का मृत्यु दर 2.0% है।